आओ सारे सारे अभी लो, भारती ने कुछ भी नहीं बोला, भारती जी कहाँ है? और ये बाबा सेठ यार तुम्हारी शादी होगी इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे। आ जाए ना यार, हमारी पुरानी फ्रेंड फ्रेंड है कृष्णा की, बिल्कुल सुना था रवि किशन जी थे मुरली और नायडू भी घूम रही यहाँ पे तमिलनाडु मुरली शर्मा जी। कश्मीरा ने करीबन 15 मिनट में 4 कहानियाँ सुना दी थी मुझे और मुझसे पूछा कि तुम किस में काम करना चाहते हो। मैंने कहा मैं सब में काम करना चाहता हूँ। शी हैज़ अ वेरी फर्टाइल माइंड, शी हैज़ अ फैबुलस माइंड, इट आई मीन हर स्टोरी सेंस इज सुपर्ब। एंड जब आप ये पिक्चर देखेंगे आप मेरी इन बातों को याद करेंगे कि अयूब ने सही कहा था। कैश हैज़ अ फैबुलस quirky mind that thinks of the craziest things. कैश के साथ मैंने एक छोटी पिक्चर की है, इस पिक्चर का नाम है कास्टिंग आउट। इस पिक्चर के बाद इंशाल्लाह वो पिक्चर रिलीज़ होगी, वो भी एक शॉर्ट पिक्चर है। इट्स बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई कश्मीरा एंड इन पार्टनरशिप विद कपल ऑफ अदर पीपल्स एंड आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया हमारी शॉर्ट फिल्म बहुत ही अलग है कश्मीरा से। कश्मीरा क्या सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है और हमारा बहुत ही सीरियस एंड एजुकेशनल टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। कश्मीरा फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है एंड रियली रियली आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू कश्मीरा। थैंक यू। थैंक यू।
मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, और उसके स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, और जो एनिमेशन उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा है. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. इट्स अ बिग थिंग, एन एक्टर बिकमिंग अ डायरेक्टर, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो आई विश कश्मीरा ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप इट वर्क्स आउट ब्रिलियंट फॉर हर. कश्मीरा मुझे बुलाएगी, मैं कर लूँगा. थैंक यू. कश्मीरा, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं. और आज एक कहते हैं ना कि दोस्ती में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मुझे कुछ देखने के लिए मिलेगा, इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. और मैं यही कह सकती हूँ कि जो कश्मीरा हमेशा से बोलती थी कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ और उस पर काम करती रहती थी, तो मुझे लगता था इतनी शायद सीरियस नहीं होगी, लेकिन आज का ट्रेलर देख के आई एम सो वेरी इम्प्रेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. मुझे इतनी खुशी है कैश का ट्रेलर देख के कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे, जैसे हमने अभी सुना कि फीचर फिल्म भी लॉन्च कर रही है और डायरेक्ट करेगी, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू रॉक इट. और बहुत बहुत अच्छा काम करने के देखने के लिए मिलेगा हमें. एंड इतनी ब्रिलियंट है, इतनी टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था वाकई, एंड सो प्राउड ऑफ हर. बिग बॉस के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है, और मैं तो दो दो बार गई हूँ, एज अ कंटेस्टेंट गई हूँ, फिर एज अ चैलेंजर गई हूँ लास्ट ईयर. बिग बॉस के लिए हमेशा वो एक्साइटमेंट रहती है, और मुझे लगता है ना मुझे बिग बॉस से ज़्यादा सलमान खान की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे. सो बिग बॉस, यस, 16th इट इज़ एंड वी ऑल आर वेटिंग. मेरी सारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं, और उन्होंने एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने जंगल की, यस बॉस की, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, एंड आई होप वो वैसी ही फिल्में बनाए भी. और ये जो उनका पहला ट्रेलर था मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अभी आने रिलीज़ होने वाली है मेरी फिल्म, तो जब डेट बाहर आ जाएगी तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली अनाउंस कर दूंगी. और मैं भी चाहती हूँ अपने दर्शकों से मिलना, उसी के लिए मेहनत चलती रहती है हम सबकी कि हम कैसे अपने बेस्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों के सामने आए, उन्हें एंगेज कर पाएँ, तो उसी की तैयारी. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, और मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि कश्मीरा जी जो है बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, और इसी वजह से वो बेहतरीन डायरेक्टर साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. और प्रोमो से ही पता चल गया है कि काम बहुत अच्छा होने वाला है और लोगों को पसंद आ गया. एक शॉर्ट फिल्म, अगर कॉमेडी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहे काम करने के लिए बोले तो क्या? इट विल बी माई प्लेजर, मतलब मैं समझूंगा कि मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो जानकारी के लोग होते हैं जिनको काम आता है उनके साथ काम करके बहुत सीखने मिलता है. तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो कामयाब हो और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले. अब बहुत डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट टाइम है. इसके पहले तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन देखा हुआ है, एंड टू डायरेक्ट समबडी स्पेशली न्यू एक्टर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. प्लस मैं भी एक्ट कर रही हूँ तो इट्स अ मल्टी फैसेटेड जॉब. तो फर्स्ट टाइम पे जब मैं डायरेक्ट कर रही थी, पहला मैंने जब सीन डायरेक्ट किया, मुझे याद है कि मैंने डायरेक्ट किया, फिर मैंने कट कहा और मैं खड़ी रही, तो सब मुझे देख रहे थे, तो आई वॉज वंडरिंग व्हाई एवरीवन इज लुकिंग एट मी. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नेक्स्ट शॉट बताना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट था. बहुत अलग है, क्योंकि फ्रॉम अ डायरेक्टर हैव टू बिकम एन एक्टर, देन फ्रॉम एन एक्टर इमीडिएटली हैव टू बिकम डायरेक्टर. प्लस मैंने एक स्टोरी लिखी भी है, सो इट्स अ वेरी मल्टी फैसेटेड जॉब, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. नहीं नहीं, इसमें सब कुछ है, इसमें रोमांस है, हॉरर है, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है. आई थिंक ये साउथ की फिल्म बननी चाहिए थी, इसमें सब कुछ है, एक्चुअली सारा मसाला है, सारा मसाला है. मुझे पता नहीं था कि जब ये शूटिंग कर रही थी तो मैं कभी गया नहीं इनकी शूटिंग पे. एक बार गया था जब चल रही थी तो नीचे चला गया,
तो मुझे पता नहीं था क्या बना रही हैं, क्या करने वाली हैं, बट क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कैसे करती हैं, अनएक्सपेक्टेड था, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा प्रोमो आप लोगों ने देखा तो मैंने सोचा इतने छोटे से बजट में इसने इतना अच्छा काम किया, तो वो देखकर मैं बहुत एक्साइट हुआ, और एक्सपीरियंस तो है इतना काम करने का, तो बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। फ्यूचर में क्या आप दोनों को साथ में शॉट मूवी में देख रहे हैं? अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि ये नहीं चाहती हैं मुझे कास्ट करें। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात है कि बिना कोई सपोर्ट लिए, जैसे कि होता है ना कि आप कपल्स में आप कभी सपोर्ट लेते हैं किसी का, कभी किया इसके थ्रू वो काम हो गया, इसके थ्रू वो काम हो गया, जैसे मुझे लोग गोविंदा बोलते हैं, गोविंदा का भांजा, गोविंदा का भांजा, तो लेकिन काम आदमी को खुद करना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि आपको खुद ही करके दिखाना पड़ेगा, तो इन्होंने कोई सपोर्ट, कोई मदद, कोई कुछ नहीं कि मुझे कुछ बता दो या कुछ उस तरीके से, वैसे तो इनको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, लेकिन फिर भी खुद फिल्म बनाई, खुद आज खुद लॉन्च किया, मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ, तो मुझे खुशी है कि मैं कश्मीरा के लॉन्च पर आया हूँ एज अ गेस्ट, जहाँ पर वो डायरेक्टर है, क्योंकि एक्टर से बड़ा डायरेक्टर होता है ना, एक्टर से तो बड़ा होता है डायरेक्टर, और अच्छी दो शॉर्ट फिल्में बनाई इन्होंने, और आई एम वेरी हैप्पी, और अच्छी बात यह है कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया, टीम वर्क होता है, जैसे हम लोग टीम वर्क करते हैं, दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया, और पूरी टीम फर्स्ट क्लास। आप कभी शॉर्ट फिल्म में कभी नजर आएंगे, आपको कभी मिला ना शॉर्ट फिल्म में, और साथ में कॉमेडी का भी फ्लेवर हो इसमें? हाँ, क्यों नहीं, आगे चल के करूँगा मैं भी कोई, क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी लोग थिएटर से ज़्यादा साला यूट्यूब पर जाके फिल्में देख लेते हैं, और शॉर्ट फिल्में काफ़ी प्रचार में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती हैं, दुनिया देखती है, फेस्टिवल्स में जाती है, सब लोग पसंद भी करते हैं, देखते हैं, और शॉर्ट फिल्म तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है, शॉर्ट फिल्म के बाद मेन आई थिंक ये भी चाहती हैं कि कोई अच्छी बड़ी फीचर फिल्म करें, क्योंकि बोलते ना अगर इतने से बजट में अगर इस इनका प्रोमो भट्ट साहब की फिल्म जैसा लग सकता है, तो उतने बजट में तो फिर बहुत ज़्यादा लगेगा, बोलते ना छोटे से छोटा उससे भी बड़ा, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू सी। शुरू में तो शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट ऑन अस, हमें हम जैसे हम शूट करने वाले थे उसके एक दिन पहले मैसेज आ गया था, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमने लेके जाना है, क्या करना है, हर खाने के बाद ब्रश करना है, सॉक्स साफ होने चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए, डिओड्रेंट होने चाहिए, सो शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट ऑन दैट पार्ट, पर एज अ डायरेक्टर ऑल्सो शी स्ट्रिक्ट, बिकॉज जब तक उनको कोई शॉट नहीं मिलता हाँ नहीं बोलती, तो इनको कन्विंस करना एज अ डायरेक्टर बहुत मुश्किल है, पर जब ये एक्टर थी तो मैं उनकी लिबर्टी ले लेता, दैट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि शी इज ऑल्सो एक्टिंग, शी कांट सी, बट उसके बाद भी ऐसी मानती नहीं थी अपने एक्ट में भी, पहले देखी कि मॉनिटर में सही आएगी नहीं, एंड देन यू हैव टू रीट इट अगर पसंद नहीं आया, सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरे लिए एज एन एक्टर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ काफ़ी बहुत स्मॉल टाउन बॉय से एकदम बॉम्बे आया हुआ नई चीज़ें देख रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी ग्राफ था प्ले करने के लिए, सो आई रियली फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैंने इतनी अच्छी मूवी का पार्ट किया। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये, काफ़ी मज़ा आया शूट करके, पहले कैश इतनी बड़ी एक्टर स्टार है उसके साथ मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई था, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रही है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा जब वो एक्टर के तौर पर कैमरे के सामने आती थी आप लोगों के साथ, वो कैसा रहता था, और जब डायरेक्टर के तौर पर जब आपके साथ पेश आती थी तो कैसा उनका स्वभाव रहता था? इसका आंसर अंकित ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा शॉट्स थे। हाँ, इसके ज़्यादा शॉट्स, मेरे इसके भी ज़्यादा शॉट्स थे, मेरे अंकित के ज़्यादा शॉट है, बट हम लोगों के ज़्यादा शॉट्स हैं। सो ओवर कैन यू जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन अगेन, जब वो मेरे साथ एक्टर होती थी तो शी यूज टू बी इन माई शूज़, तो वो एक्टर के जैसे ही बिहेव करती थी, शी वॉज वेरी पैली फ्रेंडली, हम लोग एक बिकॉज वी हैड टू मेक अ केमिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ बोल्ड सीन्स था, पर जब डायरेक्टर होती थी तो और मेरे इंडिविजुअल या इसके साथ सीन होते थे, शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट, अगर एक वर्ड भी कुछ गलत है या कुछ तुमने बोल दिया है जो विच डजेंट मेक सेंस इन द मूवी, तो इट विल बी लाइक रीटेक, तो एंड दैट पॉइंट शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट ओवरऑल इट वॉज अ फन मूवी टू वर्क ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
कृष्णा की बात आती है मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ। सो आई एम श्योर कि ये जो उनकी फिल्म है कम बैक टू मी, इसका आज म्यूजिक लॉन्च था और मैं एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम श्योर कि म्यूजिक अच्छा है, फिल्म अच्छी होगी एंड कश्मीरा बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है, चाहे एक्टिंग हो, डांस हो, कॉमेडी हो, और नाउ शी इज डायरेक्टिंग द मूवी, सो आई एम श्योर कि फिल्म अच्छी होगी। बस यार मैं मस्ती करता हूँ, मजाक में रहता हूँ, कभी बात सीरियस नहीं लेता और इसलिए आई गेस लोग गाने सुनते हैं। थैंक यू। वेल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कश्मीरा के लिए। आई बिलीव के उन्होंने बहुत न्यू अप्रोच किया है इस फिल्म में एंड शी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ब्यूटिफुल एसेट टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री और आज वो डायरेक्टर बन रही है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग लीव एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। डायरेक्टर के साथ एक्टिंग भी करना कितना आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज बोलना बहुत आसान है यू नो, बिकॉज जब आप डायरेक्टर हैं आप मॉनिटर के पीछे, जब आप एक्टर हो आप मॉनिटर के आगे हो, बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एंड एक्टिंग। एंड ऑफकोर्स जैसे आपने ट्रेलर देखा, इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रेलर, वेरी वेल कट ट्रेलर एंड कश्मीरा ने ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, आई एम वेरी हैप्पी फॉर। मैं इनफैक्ट अभी अमेरिका से वापस आया, मैं उधर अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड में मैंने अपने आप को भर्ती किया। इट वॉज अ वेरी फेमस एक्टिंग एंड थिएटर वर्कशॉप जहाँ पर मैंने लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। एंड जनवरी में मेरी एक न्यू फिल्म शुरू हो रही है, इट्स अ वेरी ड्यूल पर्सनैलिटी एक्शन काइंड ऑफ अ फिल्म, तो बहुत जल्दी आप उसके बारे में पता चलेगा। हमेशा ना आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, लाइक सिक्स मंथ्स आई लुक फैंटास्टिक, सिक्स मंथ्स आई लुक वेरी लेट बैक, सो आई थिंक राइट नाउ आई एम लुकिंग गुड, आई होप सो आई मेंटेन। आई थिंक आई एम अमेज्ड एंड कश्मीरा इज वेरी टैलेंटेड, शी इज अ मल्टी टास्कर, शी कैन डू एनीथिंग एंड शी कैन मेक एवरीथिंग लुक बेटर। डायरेक्शन इज अ वेरी सीरियस जॉब एंड आई थिंक शी इज टेकन अप दैट एज अ चैलेंज, शी इज गोना रॉक इट। मैंने दो साउथ फिल्में साइन की है, वन इज तेलुगू वन इज तमिल, आई एम डूइंग वन अरबिक म्यूजिक वीडियो, सो एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अरे थैंक यू। जी काफ़ी पसंद आया और हम लोग कश्मीरा और कृष्णा को काफ़ी सालों से जानते हैं, तो बहुत बहुत बधाई है उनको एंड शी इज डायरेक्टिंग इट एज वेल। यस एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर आवर डायरेक्टोरियल वेंचर। So all the best wishes for us. फिल्म में डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी किया, जी चैलेंजिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए, तो आपको एक समय जी हाँ काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि लोग अब एक्सपेरिमेंट भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ एक्टर्स खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूस डायरेक्ट एक्ट भी खुद कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज लिटिल चैलेंजिंग बट इट्स ऑलवेज वेरी गुड एंड नाइस, सो माई बेस्ट विशेज फॉर दैट। कैसे हो सर? नहीं बट आज जाना था तो फिर कैंसिल हो गया। producing and you know featuring in my own cover songs and singing them and Karan is directing them, so I'm sure Karan ko aap jaldi dekhenge, ye jawab wahi denge ji haan, abhi kuch time off liya tha which was very deserving actually after 8 saal kaam karne ke baad, to jo thoda break tha ab acha lag raha tha and now yeah hopefully you'll see me doing something else. acha aap mujhe jaanna chahta hu aaj ke daur mein tv digital cinema ka jo daaira hai kitna kam ho gaya hai aapke। वेल इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, अभी इतना भी एकदम से स्विच ओवर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम डिजिटल, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन टू द डिजिटल बिजनेस नाउ एंड जितना भी पहले की टीआरपीज हमने देखी है कि 7-8 तक हम लोग छूते थे एंड आज हाइएस्ट टीआरपीज आपकी 3 की है, सो इट्स ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि धीरे धीरे कैसे पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम द टीवी वर्ल्ड एंड कमिंग टू समथिंग एल्स दैट दे वांट टू, सो इट्स नाइस। थैंक यू बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज़
डायरेक्टेड इट एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था लाइक इट वॉज लाइक अ प्रोफेशनल प्रॉपर डायरेक्टर जैसे शूट करते वैसा शूट था एंड व्हेन द ट्रेलर एक्चुअली एंडेड आई वॉज लाइक वो अमेजिंग आई रियली लव्ड इट एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट बिकॉज देयर वॉज टू मच अ परफेक्शन इन अ डायरेक्शन आई रियली लव्ड इट एंड एंजॉयड इट. आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपको वो फ्रेम सेटअप करना पड़ता है एज अ डायरेक्टर आपको वो डायरेक्शन की विजन के थ्रू देखना पड़ता है एज एन एक्टर भी आपको अप टू द मार्क लाइक एक डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए सो एज एन एक्टर शी हैज़ टू पोर्ट्रेट टू द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो कि उनको इस तरह से कैरेक्टर एक्टिंग करना है बाकी एक्टर्स को उनको खुद को उस तरह से वो किरदार को निभाना है और डायरेक्शन भी करना है सो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट हैट्स ऑफ टू हर शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. क्या डिजिटल या डिजिटल हैज़ बिकम वेरी कॉमन नावडेज एंड डिजिटल हैज़ बिकम वेरी इन नावडेज एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी एक्टर्स बिकॉज आप चलते फिरते मोबाइल में कहीं भी जा रहे हो आप मोबाइल में क्लिक किया और आपको जो देखना है न्यू वेब सीरीज़ लाइक मी मैं घर पे बैठी रहती हूँ तो कभी भी मैं फ्री टाइम पे आई थिंक अभी डेली सबसे ज़्यादा मैं डिजिटल ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मोबाइल में देखती रहती हूँ नए नए जो वेब सीरीज़ आते हैं नए नए जो शोज़ आते हैं सो डेफिनेटली डिजिटल हैज़ बिकम वेरी इन एंड वेरी पॉपुलर नावडेज और बहुत आगे जाने वाला है एंड इट हैज़ ओपन अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द न्यू कमिंग actors also and actors for the old actors as well because it has opened a lot of scope for all of us. Thank you. Diwali ka season hai aur is bar padake bahut phootne wale hain. Thand se pehle hi andar heater laga hua tha aur wo bhi Chinese nahi is bar Indian padake phodenge. Nahi to be on a serious note promo bahut acha tha bahut interesting tha. हमने बहुत अच्छी लग रही है मूवी के अंदर प्रोमो जो हम लोगों ने देखा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें लगा था कि यू नो शी ओनली डायरेक्टेड बट उन्होंने इसमें काम भी किया है प्लस डायरेक्ट भी किया है तो काम जो है बहुत बढ़ जाता है. नहीं प्रोमो बहुत अच्छा था मुझे ऐसा लगता है कि जब भी फिल्म रिलीज होगी आई एम श्योर बहुत धमाका करने वाली है और इस बार दशहरे पे रिलीज हो रही है तो रावण तो फटने वाला है. एंड यस जैसा आपने पूछा कि एक्टर और डायरेक्टर मतलब दोनों आपको परफॉर्मेंस देनी है दोनों की तो यस मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अटेम्प्ट और आई होप कश्मीरा ने जो इतनी मेहनत की है वो रंग लाए. अच्छा आजकल आप एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर अपने आप को डायरेक्ट कैसे करता है. या एक्चुअली कि मैं अब ये सीन करने वाली हूँ तो कैसे प्रिटेंड करें एक्शन तो वो मतलब वो विजुअली एक बार मेरे को खुद एक्सपीरियंस करना है. वेरी टफ फॉर डायरेक्टर प्लस फॉर एन एक्टर आर्टिस्ट के लिए आजकल देखिए काम बहुत बढ़ने वाला सबके लिए एक्टर्स के लिए भी डायरेक्टर्स के लिए भी टेक्नीशियंस के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर शो देखें तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आदमी टैक्सी करके घर जा रहा है वो बोर हो रहा है और अपना फ़ोन ऑन किया और वो कोई भी शो देख सकता है अपनी मर्जी से अपने टाइम पे. राइट सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. आपके कौन से नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं? नए प्रोग्राम सी मैं अभी जो कर रही हूँ वो बहुत ही नवम मतलब इट्स अ गुड शो नंबर वन शो है वन ऑफ द नंबर वन शो सो ऑन सेट अभी सिमर भाभी जो है मेरी वो वापस आ गई है. सी मैं यहाँ पे भी अपने ससुराल सिमर के लिए
मैंने इनके साथ ससुराल सिमर करके छोड़ दिया, उसको 2 साल हो गए, ये अभी भी वही कर रही है। मेरे को लाइफ से कुछ और चाहिए। मैं चाहता हूँ निकल जाए दिमाग से, वो निकल जाए दिमाग से कि मैंने कोई एक शो उत्तरण किया था, उसमें मैंने वंश प्ले किया था, वो निकल जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा किरदार मिले जो एक मुझे नहीं छाप। देखिए, अच्छे किरदार का सब वेट करते हैं, मैं भी ऑफ कोर्स अच्छे कैरेक्टर का वेट कर रही हूँ। मुझे जैसे ही कुछ अच्छा मिलेगा मैं आपको दिख जाऊँगी नए कैरेक्टर।